हॉलीवुड क्रेजीज, एक शुरुआत करना चाहता हूँ इस डायलॉग के साथ कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता है जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जी हाँ, ये फिल्म बिल्कुल हारी नहीं है। इस फिल्म ने 25 दिन कंप्लीट किए हैं चाइना में। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से रहा है इस फिल्म का अब तक का कलेक्शंस, और क्या लगता है ये फिल्म और कहाँ तक जा सकती है, या क्या हुआ इस फिल्म के साथ अभी तक, वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और ये एक ऐसा सीन था इस फिल्म का जिसने मुझे भी रुला दिया था। ये उस वो दौर होता है हर किसी की लाइफ में जब आपके पास कुछ नहीं रहता, फिर आप यहाँ से आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम होती है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, ओवरऑल लाइफ की जो सबसे ज़्यादा बुरा दौर होता है, उससे आप किस तरह से उभर कर आते हो, वो इस फिल्म का कहीं ना कहीं मैसेज है। बहुत बढ़िया फिल्म है। चाइना में भले ही ना चल पाई हो, लेकिन मुझे उसका मलाल नहीं है, क्योंकि फिल्म ने अगर 25 दिन पूरे किए हैं चाइना में तो ये फ़ख्र की बात है, क्योंकि कई सारी भारतीय फिल्म रिलीज़ हुई है जिन्होंने 10-15 दिन भी कमाई नहीं की। उस हिसाब से इसने अगर 25 दिन कंप्लीट किए हैं तो ये आज सीना ठोक के मैं बोलूँगा प्राउड की बात है। तो चलिए आपको कलेक्शंस बताता हूँ कि आखिर किस तरह से कलेक्शंस रहे हैं। यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज़ ये रही कि जब इस फिल्म का 22वां दिन था, मैं आपको बता दूँ, 20-21वां, राइट, 22वां दिन था, तो आई थिंक ये फिल्म थी कि नहीं, मैं आपको प्रॉपर मैंने कलेक्शंस तो जोड़ लिए, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, ये 22वां दिन जब नई नई फिल्में आई थी तो आप देख सकते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 22वें दिन शायद नहीं थी, उसके बाद में 23वें दिन से ज़रूर ये फिल्म रह चुकी है। हाँ देखिए, 22वें दिन ये फिल्म नज़र नहीं आ रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है 25 दिन की। फर्स्ट वीक का सभी को पता है 32.55 करोड़ इस फिल्म में कमाई की थी, 32.55 करोड़। दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 37.71 करोड़ तक का टोटल जमा किया, यानी कि पहले वीक से सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। फिर तीसरे हफ्ते की मैं आई थिंक डिटेल में, हाँ, तीसरे हफ्ते के फ्राइडे को इस फिल्म ने और थोड़ा सा कलेक्शन जोड़ा है, और टोटल जाके हुआ था 37.05 करोड़। और उसके बाद कलेक्शंस 19 दिन की बात करें तो 5.39 लाख हुआ था। 20वें दिन की बात करें तो कलेक्शंस हुआ था 3.09 लाख। 21वें दिन की बात करें तो 4.33 लाख हुआ था। और 21 मतलब 3 हफ्ते के बाद जो टोटल हुआ था वो इतना हुआ था, राइट, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद मुझे खुद अपडेट्स नहीं पता चले थे, राइट। इसके बाद सीन क्या हुआ, जो 22वां दिन रहा, 22वें दिन फिल्म का कलेक्शन लगभग लगभग आप मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास आया होगा। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था इसका जो चार्ट है, इस चार्ट में ये फिल्म थी नहीं। आई थिंक ये दूसरे दिन का चार्ट है, ये, हाँ, ये दूसरे दिन का चार्ट है, यानी 22वें दिन के हिसाब से अगर बात करें तो फिल्म चार्ट में थी नहीं, तो लगभग लगभग उसे 1 लाख के आसपास जरूर कमाई की होगी, मुझे जहाँ तक यकीन है। उसके बाद 23वें दिन ये फिल्म आ चुकी थी, 45th पोजिशन पर ये थी फिल्म, और 67 शोज़ के पास थे सिर्फ, और 1.52 लाख का इसने कलेक्शंस किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें 24वें दिन इस फिल्म में वापस से शोज़ बटोरे 130 शोज़, और इसने 6.82 लाख की कमाई की, जो अभी तक की सबसे बेस्ट कमाई है चौथी वीक के हिसाब से। उसके बाद इसकी जो कमाई है 25वें दिन की 1.49 लाख की कमाई है, और टोटल अभी तक का अगर हम देखें तो 37.27 करोड़ हो चुका है, यानी कि इन 4 दिनों में 10 लाख के ऊपर इसने कमाई की है, तो 5.24 मिलियन के आसपास का कलेक्शन जा रहा है, और 37.27 करोड़ इसका प्रॉपर कलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर लास्ट दिन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ, लास्ट दिन में आई थिंक कलेक्शन, जैसे ये 23वें दिन भी आप अगर देखेंगे, 23वें दिन भी फिल्म काफ़ी नीचे थी, 31 पोजिशन पर थी, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा हटा दूँ तो बहुत कम, जैसे 23-24 डेज़ का मैं अगर देखना चाहूँ, 25 डेज़ का जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपको 25th डे का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शायद ये फिल्म थी कि नहीं, क्योंकि 25 डेज़ पे शायद थी, उसके नीचे नहीं थी। 26 डे का नज़र नहीं आया, क्योंकि 26 डे कल होने वाला है, यानी कि फिल्म 26 डे के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। देखिए ये फिल्म नज़र आ रही है ना 5.20 के हिसाब से, और ये है आपका 25वां दिन, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितवा दिन, 23वां दिन। तो मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूँ, सुडान जो है, सुडान ने 25 दिन कंप्लीट कर लिए, लेकिन हाँ 26वें दिन का जब मैं चेक कर रहा था तो इसके कोई शोज़ नज़र नहीं आ रहे, तो यानी कि मैं यहाँ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सुल्तान चाइना में 25 दिन चली है, और जिससे मैं बहुत खुश हूँ बताते हुए, क्योंकि कई सारी फिल्में यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई है। तो ये मेरा आई थिंक मे बी फाइनल वीडियो था, मुझे लगा थी इसके बाद शायद नहीं चलेगी तीसरे हफ्ते के बाद, लेकिन ये फिल्म थोड़ी और चली, यहाँ पर 22वें दिन आई थिंक गायब हो गई थी, टॉप 50 में मे बी होगी, लेकिन टॉप 43 का जो लिस्ट था उसमें नज़र
नहीं आई थी, इसका मतलब साफ था कि उसके बहुत कलेक्शंस कम हुए होंगे और शोज़ भी कम हुए होंगे। उसके बाद 67 शोज़, 130 शोज़, 91 शोज़ और इतने इतने पोजिशन पर फिल्म रही। तो मैंने आपको ये प्रॉपर बता दिया है आंकड़े निकाल के आपके सामने प्योफेंग से, प्योफेंग.com से। तो मेरा फाइनल आंकड़ा इस फिल्म का 37.27 करोड़ के आसपास है, वो भी 25 दिनों के बाद। इसके आगे फिल्म चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है शायद फिल्म आउट हो चुकी है। तो आई होप आप इसके कलेक्शन से, मे बी जिसे मैं अगर लाइफ टाइम कलेक्शन कहूँ अब आई थिंक गलत नहीं होगा, इससे खुश होंगे। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा हूर, ऊपर अल्लाह नीचे, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा गाना है। बीच में तेरा सुरूर और सुल्तान।